कार्बापेनम ग्रुप में क्या आता है? इमी पेनम. ओके, आपको याद रखना है कि कार्बापेनम ग्रुप में आता है इमी पेनम. ओके, तो इमी पेनम क्या है? देखो, इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव एंड एनेरोब्स. ये हमने लेबोरेटरी में टेस्ट किया. फर्स्ट वी टेस्टेड इन द लेबोरेटरी. ओके, एंड वी फाउंड दैट इट इज एक्टिंग अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव एंड एनेरोबिक्स. ओके, देन वी वर वेरी हैप्पी. द साइंटिस्ट बिकेम वेरी हैप्पी. अरे, ये तो कमाल का दवा है. इट इज वर्किंग इन ग्राम पॉजिटिव ऑल्सो, ग्राम नेगेटिव ऑल्सो एंड एनेरोब्स ऑल्सो. लेट्स ट्राई ऑन द ह्यूमन बींग्स. ओके, then when they tried on the human beings, they found that it did not kill any bacteria. अरे, ये तो गजब हो गया. It was killing all the bacteria in the laboratory, but it is not killing any bacteria in human beings. So why it is happening? So they started doing research, and they found that in the kidney there is something known as dehydropeptidase. Okay, which is not allowing the antimicrobial to act. Okay, ye dehydropeptidase ye allow nahi kar raha tha. It is broken down by dehydropeptidase enzyme. Peptidase A matlab kya hai? Enzyme. To ye jo dehydropeptidase enzyme hai, ye kya karta tha? Imipenam ko break kar deta tha. ठीक है, एंड दैट्स व्हाई दिस इमीपेनम, ऑल्दो इन लेबोरेटरी इट वाज वर्किंग सो गुड, इट वाज नॉट वर्किंग नाइसली इन ह्यूमन बीइंग. सो क्या क्या, आप तो फिर रिसर्च करना पड़ेगा. अगेन वी हैव टू डू रिसर्च, हाउ वी कैन डिवाइस सम मेथड कि इसको वर्क कराए. तो उन लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर किया सिलास्टेटिन, समथिंग नोन एज सिलास्टेटिन. तो ये सिलास्टेटिन व्हेन गिवन विद इमीपेनम देन इट वर्क्स. ओके, तो कभी भी इमीपेनम सिंगल नहीं देते हैं. इमीपेनम इज नॉट गिवन अलोन. ओके, इट इज ऑलवेज गिवन विद सिलास्टेटिन. क्यों नहीं देते हैं अलोन? बिकॉज इफ गिवन अलोन इट इज डिस्ट्रॉयड बाय डिहाइड्रोपेप्टिडेज एंजाइम इन द किडनी. ओके, इमीपेनम इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, इज ऑल्सो इफेक्टिव अगेन स्यूडोमोनास. ओके, तो ये स्यूडोमोनास क्या है? इट इज ए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. तो जो इमीपेनम है, इमीपेनम इज ऑल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट स्यूडोमोनास. ओके, तो साइड इफेक्ट क्या है? अब इमीपेनम दिया, वी नो एवरी ड्रग हैव अ साइड इफेक्ट. तो इमीपेनम का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या है? व्हाट इज द बिगेस्ट साइड इफेक्ट ऑफ इमीपेनम? इट इज सीजर्स. ओके, इट इज सीजर. ओके, so that's why imipenam is contraindicated in epileptic patient mein contraindicated hai. epileptic patient mein contraindicated hai ye. theek hai, so I'll revise again. kya hai imipenam? lab mein acche se kaam kar raha tha, but in human beings it was not working. so what did they do? they combine cilastatin with it. Okay, cilastatin plus imipenam, then it started working nicely. It was killing gram positive, gram negative and anaerobes also. Okay, so what is the side effect of imipenam? It is seizure. ye note down kar lo. aur contraindication kya hai imipenam ka? it is contraindicated in epileptic patient. Okay, so abhi dekho, ye imipenam ka side effect kya hai bataya maine, ki seizure hota hai, right? तो अभी हमको कुछ निकालना पड़ेगा जो सीजर के अगेंस्ट भी काम करे, जो सीजर नहीं कॉज करे. सम ड्रग्स वी हैव टू डिस्कवर और इन्वेंट करना पड़ेगा जो सीजर के अगेंस्ट भी काम करे, दिस सेम ग्रुप. तो वी गॉट अदर कार्बेपेनम्स लाइक मेरोपेनम, एट्रापेनम, डोरीपेनम एंड फेरोपेनम. ओके, तो इन दिस फोर ड्रग्स सिलास्टेटिन इज नॉट रिक्वायर्ड. इमीपेनम में क्या है? सिलास्टेटिन आपको चाहिए, पर इन दिस मेरोपेनम, एर्टापेनम, डोरीपेनम एंड फेरोपेनम सिलास्टेटिन इज नॉट रिक्वायर्ड. ये याद रखो. एंड लेसर रिस्क ऑफ सीजर, ये सीजर भी कम होता है. इमीपेनम में क्या होता था? सीजर हो जाता था, पर इन ड्रग्स में सीजर नहीं होता है. ऑल दिस कार्बापेनम, ये जो सारे कार्बापेनम है आर इंजेक्टेबल एक्सेप्ट फेरोपेनम. ओके,
विच कैन बी गिवेन ओरली. तो ये कैसे याद रखेंगे, फेरोपिनम, देखो फेरो फेरोपिनम, ओके इसको लेरोपिनम बना दो, एफ को एल बना दो, तो देखो ओ आर ए एल ओरल हो गया ना, तो इट इज ओरली गिवेन. ओके ऐसे याद रख सकते हो, ऑल ऑल कार्बापिनम्स आर इंजेक्टेबल एक्सेप्ट फेरोपिनम. फेरोपिनम को कैसे याद रखेंगे, लेरोपिनम. ओके तो ओ आर ए एल हो गया ओरल. ओके तो दिस इज ओरल ड्रग. ओके फाइन. नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया हमारा ESBL. व्हाट इज ESBL? एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टामेस. क्या है, एनी बैक्टीरिया मोस्टली क्लेब्सिला व्हिच हैज एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टामेस एंजाइम इज रेजिस्टेंट टू मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स. तो क्या होता है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम, देखो हम लोग तो एंटीबायोटिक्स डिस्कवर करते जा रहे हैं, ये एंटीबायोटिक वो एंटीबायोटिक, तो बैक्टीरिया भी चालाक है, बैक्टीरिया को भी खुद को बचाना है कि नहीं, तो दे ऑल्सो डेवलप रेजिस्टेंस. सो नाउ दे हैव गॉट एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टामेस ओके एंजाइम, तो विच इज रेजिस्टेंट टू मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स. मैक्सिमम एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट वो रेजिस्टेंट है, बट इवन दो दे आर रेजिस्टेंट टू ऑल द एंटीबायोटिक, दे आर नॉट रेजिस्टेंट टू कार्बापिनम. दे फेल इन फ्रंट ऑफ कार्बापिनम. कार्बापिनम के सामने आने के बाद टाई टाई क्या होता है, फुस. ठीक है तो लिमिटेशन, बट देर आर सम लिमिटेशन ऑफ एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टामेस ऑल्सो. कैन नॉट ब्रेक कार्बापिनम, कार्बापिनम के सामने काम नहीं करता है. तो कार्बापिनम्स आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टामेस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया. तो कार्बापिनम इसका ड्रग ऑफ चॉइस है. अगेन देर आर सम अदर ड्रग्स ऑल्सो विच वर्क अगेन ESBL, एंड दैट इज पिपारेसिलिन कॉम्बाइंड विथ टेजोबैक्टम. ओके पिपारेसिलिन कॉम्बाइंड विथ टेजोबैक्टम. सो दिस टू यू हैव टू रिमेम्बर. ESBL में क्या है, फर्स्ट इज कार्बिपिनम एंड देन इज पिपारेसिलिन प्लस टेजोबैक्टम. ओके फाइन, समझ में आया सबको, एवरीवन अंडरस्टूड, एनी कंफ्यूजन? नो सर. नो, क्लियर एवरीवन? ओके फाइन. सो नाउ अभी एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बात कर लिया, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम तो बीटा कार्बापिनम के सामने फेल हो गया, बट नाउ बैक्टीरिया व्हाट दे डू, दे उन्होंने और रेजिस्टेंट डेवलप किया, एंड नाउ वी हैव गॉट न्यू दिल्ली metallo beta lactamase. okay this is can break even carbapenem. carbapenem bhi inke samne kaam nahi kar pata hai. theek hai, carbapenem also cannot work. extended spectrum beta lactamase mein to kya carbapenem kaam kar raha tha ki nahi, kaam kar raha tha, par new delhi metallo, why it is called new delhi, because it was found in new delhi. okay तो न्यू दिल्ली मेटालो बीटा लैक्टामेस के सामने कार्बापिनम भी फेल हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई दिस इन्फेक्शन इज आल्सो नोन एज सुपर बग. सुपर बग बोलते हैं, बग बोलते हैं ना कंप्यूटर लैंग्वेज में, तो दिस वाज नोन एज सुपर बग. दिस NDM इज नोन एज सुपर बग. ओके तो इसका अभी क्या ट्रीटमेंट है, इसका भी कुछ उपाय निकालना पड़ेगा कि NDM को अभी कैसे मारे. तो वी डिस्कवर्ड कोलिस्टीन. ओके वी डिस्कवर्ड कोलिस्टीन. जस्ट अ मिनट, आई गॉट सम मैसेज फ्रॉम अ स्टूडेंट डिब्रूगढ़. ओके कोलिस्टीन एक्ट्स अगेंस्ट एनडीएम ऑल्सो. ओके तो कोलिस्टीन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनडीएम प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन. सो कोलिस्टीन is the drug of choice for NDM producing bacterial infection. So let's revise again. क्या बोला था हमने, पहले इमीपेनम क्या, इमीपेनम के बारे में बात किया. इमीपेनम we have to give with cilastatin. Okay? Then उसका side effect है seizure. तो seizure के against काम करने के लिए हमने develop किया meropenem, ertapenem, doripenem. Okay? Meropenem है oral. Oral को कैसे याद रखेंगे, leropenem. Okay? Then extended spectrum. Extended spectrum is वर्किंग, कोई भी एंटीबायोटिक उसके अगेंस्ट काम नहीं करता एक्सेप्ट कार्बापिनम. पर कार्बापिनम भी कहाँ पे फेल होता है, न्यू दिल्ली के सामने कार्बापिनम भी फेल होता है. तो यू कैन रिमेम्बर सी फॉर कोलकाता,
तो कोलकाता बड़ा है कि न्यू दिल्ली बड़ा है? आई थिंक न्यू दिल्ली बड़ा है, तो कोलकाता न्यू दिल्ली के सामने कोलकाता भी छोटा पड़ जाता है, तो कार्बापिनम भी न्यू दिल्ली के सामने काम नहीं करता है. ओके, न्यू दिल्ली इज नोन एज सुपर बग. ओके, उसके आगे क्या यूज करते हैं? देखो, न्यू दिल्ली के सामने कार्बापिनम काम नहीं करता, और काम भी करता है तो पॉलिस्टिटिन. समटाइम्स दे बोलते हैं ना कि लव इज द ओनली डिजीज ऑफ द हार्ट एंड लव इज द ओनली क्योर. थोड़ा फिलोसॉफिकल हो रहा हूं मैं, ठीक है, प्लीज डोंट माइंड, जस्ट टू रिमेम्बर. तो कार्बापिनम, सी फॉर कार्बापिनम और सी फॉर कोलिस्टिन. देखो, इसका इसके अगेंस्ट काम, ये काम नहीं करता है पर ये काम करता है, तो उसका अगेंस्ट भी सी है और उसका काम करने वाला भी सी है. ओके, यू रिमेम्बर इट लाइक दैट. ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ड्रग, दैट इज मोनोबेक्टम. मोनोबेक्टम में क्या आता है? आस्ट्रियोनाम. आस्ट्रियोनाम कैसे आप याद रखोगे? अजी तेरा नाम तो बता. ओके, ऐसे याद रख सकते हो आस्ट्रियोनाम. ओके, आस्ट्रियोनाम कहाँ में आया? नाम, नाम में आ गया एम, एम फॉर मोनोबेक्टम. ओके, तो मोनोबेक्टम ग्रुप में आया आस्ट्रियोनाम. ओके, इट डू नॉट शो क्रॉस एलर्जी. क्रॉस एलर्जी मतलब क्या है? जैसे एक पेशेंट को पेनिसिलिन से एलर्जी है तो उसको सेफालोस्पोरिन से भी एलर्जी होगा, ठीक है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर सेल वॉल इन सिंथेसिस इनहिबिटर. पर डू नॉट शो क्रॉस एलर्जी मतलब दोज पेशेंट हु आर एलर्जिक टू पेनिसिलिन एंड सेफालोस्पोरिन, वी कैन गिव देम आस्ट्रियोनाम. ओके, हाँ, तो इसलिए बोलते हैं ना कि पेनिसिलिन, अरे हम लोग तो एलर्जी करते हैं, सेफालोस्पोरिन भी बोलता है एलर्जी करता है, पर ऐसा क्या 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 कौन आया जो एलर्जी नहीं करता है? तो वो बोला कि एस्ट्रियोनाम है. तो एस्ट्रियोनाम क्या है? अजी, तो पेनिसिलिन ने और सेफालिन स्पोरिन ने पूछा, अजी तेरा नाम तो बता. ओके, फाइन, अंडरस्टूड, क्लियर? ओके, नेक्स्ट. ओके, देन वी विल टॉक अबाउट वैंकोमाइसिन. वैंकोमाइसिन इज नॉट इफेक्टिव ओरली. वैंकोमाइसिन इज नॉट इफेक्टिव ओरली. ओके, इट इज नॉट एब्जॉर्ब, बिकॉज ओरली ये एब्जॉर्ब नहीं होता है. सो वैंकोमाइसिन इज गिवेन आई वी. वैंको में वी है ना, तो याद रखो इट इज गिवेन आई वी. ओके, तो वैंकोमाइसिन क्या करता है? इट रिलीजेस हिस्टामाइन, और हिस्टामाइन रिलीज होने से क्या होता है? वैसोडाइलेशन होता है, और उसके कारण क्या होता है? ब्लड फ्लो ज्यादा होता है, और इसके कारण रेड मैन सिंड्रोम, दैट मीन्स द पर्सन अपीयर्स रेड. ओके, ब्लड फ्लो ज्यादा होने के कारण, दैट्स व्हाई वैंकोमाइसिन का साइड इफेक्ट क्या है? रेड मैन सिंड्रोम. ओके, वैंकोमाइसिन का साइड इफेक्ट है रेड मैन सिंड्रोम. ये आपका MCQ है, नीट क्वेश्चन है. ओके, यू रिमेम्बर इट, आई विल आस्क यू लेटर. याद रख लो, पूरा मेमोराइज कर लो. अब साइड इफेक्ट क्या है वैंकोमाइसिन का? साइड इफेक्ट है नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड ओटोटॉक्सिसिटी. नेफ्रोटॉक्सिसिटी मतलब किडनी में प्रॉब्लम करता है, ओटोटॉक्सिसिटी मतलब एनीवन, मिडिल ईयर. हाँ, ईयर, ईयर, मिडिल ईयर. ओके, इट हैज इफेक्ट इन द ईयर. ओके, इट इज, वैंकोमाइसिन इज नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट स्यूडोमोनास. याद रखो, वैंकोमाइसिन इज ओनली एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव. ओके, ठीक है, तो नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट स्यूडोमोनास. स्यूडोमोनास क्या है? स्यूडोमोनास ग्राम नेगेटिव है. ओके, तो अभी यूज कहाँ पे है वैंकोमाइसिन का? MRSA. MRSA मतलब मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस. ओके, ठीक है, तो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ओरियस, और एक जगह में यूज होता है इन स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस. ओके, तो ओनली ओरल इंडिकेशन. वैंकोमाइसिन क्या है? ये गलत लिखा है मैंने, ओनली ओरल इंडिकेशन साइड एक था, मैंने वो गलत लिख दिया है. ओके, सो वैंकोमाइसिन कहाँ पे आता है? इट कम्स इन द ग्रुप ऑफ ग्लाइकोपेप्टाइड. पेप्टाइड मतलब क्या है पता है आपको? कोई बोल सकता है? वाटर पेप्टाइड्स. पेप्टाइड मतलब प्रोटीन्स. यस, वेरी गुड, वेरी गुड, प्रोटीन. तो ग्लाइकोपेप्टाइड में क्या आता है? वैंकोमाइसिन. फिर और भी सारा ड्रग्स है, टेकोप्लेनिन, ओरिटा वैंकिन. देखो, वैंकिन मतलब
वेंकोमाइसिन लाइक ड्रग्स, ये भी वेंकियन, ये भी वेंकियन, ओके। बट ये वेंकोमाइसिन तो रेडमैन सिंड्रोम कॉज करता है, इसको थोड़ा नीचे उतार दो, ठीक है, दिस इज रॉन्ग, थोड़ा गलत हो गया, इसको नीचे उतार दो। तो वेंकोमाइसिन क्या करता है, रेडमैन सिंड्रोम कॉज करता है, ओके। बट दिस फोर ड्रग्स दे डू नॉट कॉज रेडमैन सिंड्रोम, ओके। तो आई थिंक ओके स्यूडो, ये मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म स्यूडोमोनस कोलाइटिस बात करते हैं। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल क्लॉस्ट्रीडियम डिफिकली, ये याद रखना, ये एमसीक्यू में थोड़ी देर बाद आपको पूछने वाला हूँ। विच इज द ड्रग कॉजेस स्यूडोमेम्ब्रेन, विच इज द ऑर्गेनिज्म कॉजेस स्यूडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस, इट इज क्लॉस्ट्रीडियम डिफिकली, ओके। मोस्ट कॉमन कॉज थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन ग्रेटर देन क्लिंडामाइसिन, तो किसके कारण होता है थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन, एंड ड्रग ऑफ चॉइस ओरल वेंकोमाइसिन। यहाँ पे मैं बोला था ना कि ओरल, ये लिखा था मैंने तो वो गलत लिखा था, यही था कि इसका ओरल, इवन दो वेंकोमाइसिन आईवी देते हैं बट ओनली ओरल इंडिकेशन इज स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, एक्चुअली स्लाइड को इधर उधर करते ये चेंज हो गया, ओके। तो विद दिस वी फिनिश विथ आवर सेल वॉल सिंथेसिस।